कल मैंने ब्लॉग बनाया, परसों भी मैंने ब्लॉग बनाया, तो वो गलती से ना सारा डेटा मेरे से निकल गया। और तब तक इतनी आवाज़ आ रही हो गई है कि देखिए सारे घर का काम नहीं पड़ा हुआ है। अभी मैं मेडिसिन खा लेती हूँ, उसके बाद फिर ये मेडिसिन है ये खा लूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट कि मैंने सफाई भी अभी कर दी है, सारा किचन का काम फैला हुआ है। तो ये इतनी ज़्यादा मेडिसिन खा लिया मैंने, उसको अभी जो है ये सिरप, ये वाला सिरप भी पीना मैंने, लेकिन ये ख़त्म हो गया, ये थोड़ा सा ही है, खांसी का है। कल भी मैंने कुछ नहीं पाया बाजार से आया, और आज थोड़ी सी हिम्मत, तीन चार दिन और साथ में तबियत ऐसी ही होती है, बुखार अजीबा करते गया होगा जिन्हें कि आपको के बाद भी आ गया, तो उसने भी अभी मेडिसिन ले लिया, उसके चार से पाँच रुपये हो चुके हैं स्कूल से। जब भी स्कूल जाता है बहुत ही रोज होती है, उसको सर्दी लगती है, बुखार की हमारी यही सेफ कैंसर हो रही है, ये वायरस फैला हुआ बिल्कुल, तो अगर घर में किसी एक हो जाता तो पूरे उसको
कैसे क्यों नहीं बंद कर देते जब सर्दी लग रही है तो? सर्दी नहीं लग रही, सांस और नाली में दर्द हो रही है। फिर तुम चावल ना खा, रोटी बना दियो। एकदम जो सर्दी लग रही है ये पकड़, ये वाली एक गोली ले ली खाने से पहले वाली। इसको भींगा करो नीचे। पानी भी नहीं ला सकता तू है। हाँ खा तू, तू खा। मोबाइल भी चाहिए तुझे, एलईडी भी चाहिए, तू पागल तो नहीं है? अजीब इसकी दास्तान है जी। तो मैंने ना कुछ देर पहले ना बालों को ना वो कलर चेंज करवाया था, तो बहुत ही जल्द वीडियो एक आएगी कि बालों के साथ मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ, तो वो आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी। अब मुझे पसीने आ रहे हैं, सर्दी लग रही है, समझ नहीं आ रहा। तो अभी जब खाना बन जाएगा हम खाना खाएंगे, उसके बाद साथ में दवाई खानी है अपनी। अभी ये खाना खाने से पहले वाली दवाई ली थी इसने, उसके बाद क्या होगा जी। और बहुत जल्दी आप सब के लिए एक खुशखबरी है, कुछ लोग जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा, और एक नहीं दो दो खुशखबरी है, ठीक है? दो दो, एक जिसने हिंट जिसने गैस कर लिया ना, तो मैं उसका जो है ना उसके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है? यही मैं कर सकती हूँ। तो मेरे घर वालों को तो पता है, देखते हैं कौन गैस करता है। जैसे ही वो एक खुशखबरी आ जाएगी ना, वो आपके साथ में शेयर करूँगी। और दूसरी खुशखबरी थोड़ा टाइम लगेगा, एक खुशखबरी आने ही वाली है। दूसरी खुशखबरी के लिए, गुड न्यूज़ के लिए था, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, शायद एक से दो मंथ, ठीक है? तो जी चले अब खाना खाती हूँ, उसके बाद हिम्मत होगी, खाना खाने के बाद शायद थोड़ी बहुत हिम्मत होगी, फिर मैं सफाई वगैरह करती हूँ, ठीक है? ये गर्म पानी सिंपल, ये दूरी साथ के ना गले में बहुत दर्द हो रहा है, सीने में। ये दूरी गर्म पानी पिएगा। और पहले मैंने इसमें चावल निकाल दी, तो कह रहा है कि मिट्टी के बर्तन में खाने, तो मिट्टी के बर्तन में खाने का ना शौक होता है कभी तो बाहर। चलो देखती हूँ। और फिर मैंने अभी साथ के लिए ही निकाले हैं, ये ले। अच्छा होता होगा, ये ले। और गर्म पानी पीना, ठंडा नहीं पीना, रुक मैं लेके आती हूँ। गंदा घिन आ रही है मुझे ना, जीव सी उल्टी सी। हल्का हल्का घूंद लेता रहा, जो सीने में चकड़न हो रही है ना, सही होतेगा। और पहले मैं पढ़ूंगी नमाज, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। चलो मैं नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। मुझे ना ऐसे चिपचिपा यहाँ ऐसे फर्श पे पैर रख रही हूँ, तो ऐसे मट्टी मट्टी फील हो रही है, सफाई करनी ही पड़ेगी। तो गाइस जब ये शाम को ये शैतान की टूटी आई है,
तुम नाच लो, तुम नाच लो। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, साथ की थोड़ी बेहतर है। उसको मैंने कहा कि बर्तन धो दे, तो बर्तन धो रहा है। ये देखिए धो देगा कि मैं धो लूँ? हैं, धो तो रहा हूँ, सही से साफ से धोने। ये देख ली, तुम तो बता रही हो। ये धुल गया, ये कालक नजर आ रही है, तो कालक तो जल के फिर काली हो जाएगी। वाह क्या बात है। गाइस बीमार हूं, मेरी सांस वाली नाली में बड़ा दर्द हो रहा है, और इसे मैं बर्तन धोवा। तू भी बर्तन धोने आया क्या? चल धो, धोने दो। कमीशन कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा? क्या कमीशन? कुछ भी नहीं मिलेगा पैसे मुझको। मैं बात कर रहा मैं देखती हूँ। तू बर्तन धो, तू साबुन लगा, ये खंगालता रहेगा। तू साबुन लगा, मैं खंगालता रहूंगा। नहीं साबुन तू लगाएगा सही। चलो ये चल फिर, तू यहाँ पे आ, तेरा कंपार्टमेंट मिल जाए। ये देना फिर। अरे तू कौन दूसरा बंदा? तू जा फिर, आ जा, ये ले पकड़ ले अपनी पेंसिल। चल तू दो बर्तन, और ये एक्स्ट्रा लाइट कर देती हूँ ऑफ। चलो जी ब्लॉग सुबह से कंटिन्यू है, ब्लॉग को करेंगे एंड। आई होप आज का ब्लॉग आपको कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। ओके फिर, बाय बाय, सी यू, टाटा।